हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हम हमारी सीरीज में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक वेबसाइट बना रहे हैं पीएचपी एचटीएमएल और सीएसएस करके, तो हम इसे आज कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये बुक को डिस्प्ले कराया था इस जगह पर हमारे एडमिन पैनल में। आज हम जो हमारे डेटाबेस में बुक्स है इनको हमारे जो फ्रंट एंड है, मैंने कहा था कि जो हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है हमने अभी तक स्टैटिक बना रखा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो जब हम यहाँ आते हैं तो ये आप देखिए, इनमें जब हम कैटेगरीज में जाएंगे तो ये जो हमारी बुक्स है ये सब स्टैटिक है। अभी हमने और इसके लिए एचटीएमएल कोड में इनके नाम है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं यहाँ जब ओपन करूँगा तो मैं आता हूँ फिर हमारे प्रीवियस पेज पर और मैं ओपन कर लेता हूँ ये वाला पेज। तो आप देखिए, ये सब एचटीएमएल टैग के थ्रू पर्टिकुलर इमेज को हमने हर जगह पर नाम लिखकर कोडिंग कर रखी है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डेटाबेस से इसको लिंक करवाना है कि डेटाबेस में जो फील्ड हो वही यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो आज हम उसके लिए कोड लिखेंगे। तो हम इनको कैटेगरी वाइज लाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ये वाला पेज है हमारा पहला वाला, इसके लिए हम कोड लिखेंगे। इसको हम डायनेमिकली डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं पीएचपी टैग को ओपन करता हूँ, देन इसे यहाँ पर रिवेस्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें सिलेक्ट क्वेरी की जरूरत होगी, तो मैं सिलेक्ट क्वेरी हमारे प्रीवियस वीडियो के कोड को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे मैंने ऐसा कैसे कॉपी कर लिया, देन इसको यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा वही कोड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे डॉलर सी इक्वल टू, हमारी कैटेगरी में ये नाम जा रहा है तो हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं नाम इस वेरिएबल में इसलिए स्टोर करा रहा हूँ क्योंकि जो हमारी कैटेगरी है, हमें कैटेगरी वाइज डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो हमारी कैटेगरी का नाम यही है। तो जो हमारे सी के अंदर वेरिएबल का नाम होगा हम कैटेगरी के थ्रू इसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो वेयर क्लॉज चलेगा वो कैटेगरी के थ्रू चलेगा। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर कैट। हम देख लेते हैं कि हमारी जो डेटाबेस फील्ड है उसमें कैट ही टेबल, तो ये देखिए कैट, ये कैट, ये तीन बुक शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कैट ले रहे हैं और यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर कैट लाइक, देन इसके से ब्रैकेट लगेंगे और उसके अंदर परसेंटेज के निशान और यहाँ पर हमारी उस फील्ड का, उस वेरिएबल का नाम। तो इस तरह से हो चुका है, देन ये हमारे कोड हो चुके हैं। और यहाँ पर हम नेम लाना है हमें, और हमें नेम की जरूरत नहीं है बेसिकली, तो कैट, तो यहाँ पर हम कैट की जगह रख देते हैं आईएमजी और यहाँ पर हम देते हैं आईएमजी और हम यहाँ पर इन सभी को हटा देते हैं क्योंकि हमें एक ही हमारी फील्ड रहेगी वो बार बार रिपीट होगी, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यही हमारे डेटाबेस में लिखना फायदा है कि हम एक बार कोड लिखेंगे और वो बार बार रिपीट होगा, जितनी भी हमारी डेटाबेस फील्ड है उतनी बार वो रिपीट होगा। तो मैं यहाँ पर इसे जो हमारा ये इसको मैं इको करवाने के लिए यहाँ पर पीएचपी टैग लिखूंगा। इस जगह पर मैं आके यहाँ पीएचपी टैग लिखते हैं, देन इसको इको कर लेते हैं। इको के बाद इसे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम, देन सेमी कॉलन और इस पर देखिए इसे यहाँ से क्लोज किया। देन इसे हमने डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा तो इसके अंदर के जितने भी डबल इनवर्टेड उसको सिंगल कर देंगे। तो इसे यहाँ पर मैंने सिंगल कर दिया, देन ये हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो इमेज मूव करवाई है वो किस फोल्डर में रखी है। तो हम जाते हैं यहाँ पर इसका, इस जगह पर गए और वेम के अंदर गए, www के अंदर L1 के अंदर हमने IM नाम के फोल्डर के अंदर सभी इमेजों को रखा है। तो हम इस फोल्डर का नाम IM के बाद यहाँ लिखेंगे डॉलर इमेज, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, डॉलर IMG जो हमारे इस वेरिएबल का नाम है। तो हमारी बुक्स डिस्प्ले हो गई। तो हम सेव करके देखते हैं कि बुक डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। तो मैं इस पेज पर आया था और इस जगह पर आकर रिफ्रेश किया तो इसने एरर दे दी है, अनफाइंड वेरिएबल लिंक। इसे वेरिएबल लिंक नाम का वेरिएबल नहीं मिला, तो इसे कनेक्शन फाइल इंक्लूड नहीं की गई है शायद। हाँ, इसमें हमने कनेक्शनल फाइल ही इंक्लूड नहीं की। तो मैं यहाँ से इस कनेक्शन फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ का,
ये देखिए हमारी तीनों फाइल डेटाबेस से आ चुकी है। इस बार हमने मैन्युअली नहीं लिखी, इस बार हमारी डेटाबेस से आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी सीक्वेंस चेंज हो चुकी है, पहले हमारी सीक्वेंस कुछ और थी। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पर हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। तो उस चैनल के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है, myprohd.dx.am। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं। तो अपने वेब ब्राउजर के URL में लिखेंगे myprohd.dx.am और एंटर करेंगे तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। इस जगह पर आपको इस तरीके आपको वेबसाइट शो होगी। देन इस वेबसाइट में आप जाएंगे यहाँ कोर्स पर, तो ये पेज ओपन होगा। देन आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स देखेंगे, जैसे कि अभी तक तीन कोर्स है, जैसे सी प्रोग्रामिंग, देन HTML और jQuery। आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। देन आप अगर किसी भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे YouTube चैनल पर ले जाएगा, जहाँ से आप इसे देख पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे और भी वीडियो शो हो रहे हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज से एक नया, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। देन इसके अलावा जो हमारे इस चैनल पर प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहा है, जैसे हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की सीरीज है। यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। देन ये होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसकी है। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो ये इस वेबसाइट पे भी जरूर विजिट करें तो आपको इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।